वर्मा सर के निष्णात क्लासेस के वॉयस के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग जनरल रूल और प्रेजेंट टेंस का वॉइस चेंज देख चुके थे, आज हम लोग पास्ट का देखेंगे। सबसे पहले तो पास्ट टेंस आप जान रहे हैं, किसी भी टेंस में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं करते, इसलिए पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं किया था। और आज जब हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इनडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इनडेफिनिट को हम लोग अपनी साधारण भाषा में सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट इनडेफिनिट बोले या सिंपल पास्ट बोले। जब आप इस टेंस को देखने जाइएगा तो आपको एक सिंपल सा वाक्य समझ में आएगा, मैंने आम खाया, तुमने पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या किया, क्यों किया इत्यादि, ये सारे वाक्य समझ में आते हैं, पास्ट इनडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह से प्रेजेंट इनडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAIS प्लस ऑब्जेक्ट होता था, तो आज हमारा पास्ट इनडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं जनरल रूल के अनुसार कि आपको ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा और सब्जेक्ट को बाद में ले जाना होगा। तो जब आप ऑब्जेक्ट को पहले लाइएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत वर्ब मिला, वर्ब से पूछा आपने कि आप किस रूप में हो, तो वर्ब बोलता है सर हम सेकेंड रूप में हैं, तो बी का सेकेंड रूप लगता है वाज, वाज या वेयर प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका जनरल रूल के अनुसार इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ही रेड ए बुक को, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो आपको मिलेगा अ बुक वॉज रेड बाय हिम। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का कि ही रेड अ बुक को आपने सर पास्ट ही क्यों माना, प्रेजेंट क्यों नहीं माना। तो प्रेजेंट मानने का इसका सिंपल आधार है किसके अंत में एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, जबकि ही है हमारे साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो आप इसको देख सकते ही रेड अ बुक को आप सिंपल प्रेजेंट नहीं मान सकते या सिंपल पास्ट भले ही है। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट का वॉइस चेंज करते हैं। अब इस सिंपल पास्ट में हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसमें कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। डिड नॉट लगते ही ये वर्ब का दूसरा रूप हो गया, तो यहां वर्ब अपने पहले रूप में चला आता है, दो वर्ब टू एक साथ नहीं लगाते हैं। पैसिव वॉइस इसका जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी कि यदि आपका एक्टिव वॉइस इस तरह से है ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी, तो आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं आई वॉज Not called by him, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। आप कैसे जानते हैं कोई अंग्रेजी का वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, तो आपको देखने के लिए मिलता है कि वॉज के बाद
वर्ब अपने तीसरे रूप में है, इसलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ध्यान रखिए, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनके साथ बाय नहीं लगता है। वीडियो के लास्ट में आपको ऐसे वर्ब्स का लिस्ट भी दिया जाएगा, जब वॉइस सेक्शन खत्म होगा तो उसमें हम कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कि बाय प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो इस तरह से जब आप एक्टिव वॉइस आप देख चुके प्रेजेंट के बाद पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म में, अब इसी पास्ट इंडेफिनिट का आप जब इंट्रोगेटिव देखते हैं तो इंट्रोगेटिव दो तरह का है इसमें। एक तो एक्टिव वॉइस है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है। कुछ अच्छे अच्छे किताब, अच्छी अच्छी पुस्तकें इस स्ट्रक्चर को यस नो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फिलहाल हम लोग ऐसा चलते हैं कि ये क्या से शुरू होने वाला स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमको यहां लिखना होता है वॉज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। बार बार बोल रहे हैं वॉइस चेंज करने के समय हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं छोड़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, डिड राम बाय ए कार, क्या राम ने गाड़ी खरीदी या खरीदा, क्या राम ने गाड़ी खरीदा, तो आप इसका वॉइस चेंज कीजिएगा वॉज ए कार बॉट बाय राम। आप जान गए यह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, यह ऑब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, बाकी किसी का स्थान नहीं बदलेगा, जो जहां है जैसे हैं वैसे रहेंगे। उसी प्रकार एक और पास्ट इंडेफिनिट में एक और स्ट्रक्चर आता है, वो है आपका कैप प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो जब आप इसके पैसिव वॉइस में पहुंचते हैं तो आपको कैप को लेकर चलना होता है, डिड हमें बताता है कि हमें वाज वेयर लाना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट का। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाई डिड सीता बाय ए पेन, सीता ने कलम क्यों खरीदा, तो आप इसका चेंज कर सकते हैं व्हाई वॉज ए पेन बॉट बाय सीता। बॉट हो ब्रॉट हो, बॉट और ब्रॉट में अंतर होता है, बॉट मतलब हुआ खरीदा, ब्रॉट मतलब होता है लाया, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट हम लोग देख लिए, पास्ट इंडेफिनिट का सारा वॉइस चेंज कर लिए, आपको एम्पल टाइम है, आप इसे वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, नहीं उतारने का मन है तो देखकर याद रख सकते हैं,
बाकी सारी पिक्चर्स तो ग्रुप्स में भेजने का मैं ट्राई करते रहता हूँ, कुछ कुछ चीजें कभी कभी छूट जाती है। पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारा अगला टेंस हमको मिलता है पास्ट इम्परफेक्ट, या उसे दूसरे नाम से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। अगला टेंस है हमारा पास्ट इम परफेक्ट। जब हम पास्ट इम परफेक्ट की तरफ चलते हैं तो पास्ट इम परफेक्ट हमें बताता है कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी यानी कोई भी काम लगातार जारी है, लगातार जारी रहने में हमारे साथ भर्ब का जेरंड का रूप प्रयोग करते हैं हम लोग, उस जिरंड में आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। तो इसका सिंपल एक्टिव वॉइस है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ऐसा लिखते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस जनरल रूल बोलेगा हमको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। जिन जिन को जनरल रूल नहीं पता है वो हमारा वॉइस का सबसे पहला वीडियो देखिए। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट रहा, नॉट देंगे। वर्ब चूंकि चौथे रूप में है तो बी का चौथा रूप लगेगा बीइंग प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको देखिए, आप इसका एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो जब आप इसके पैसिव वॉइस में जाइएगा तो बनेगा यू वेयर being taught by me, you were being taught by me। देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत होती है तो बताइएगा। थोड़ा बहुत साइनिंग बोर्ड पर आता है सो उसको तो आपको सहना होगा। आवाज पर ध्यान दीजिए, You were being taught by me। You object था हमारा, subject की जगह पर आया, subject था object की जगह पर गया, was था you के साथ was नहीं लगेगा, where रहेगा, teaching verb का चौथा रूप है, be का चौथा रूप लगाएंगे being, verb को तीसरे रूप में बदलेंगे, फिर by लगाएंगे और फिर subject I उधर जाएगा तो me में बदलेगा ही, ठीक है। अब पास्ट इम्परफेक्ट में नेगेटिव अगर लेके चलें तो नेगेटिव भी इसमें आके, अगर यहां पर मेरे पास नॉट रहता तो हम यहां नॉट लगाते, नहीं है नॉट तो छोड़ दिए। इसका जब आप इंट्रोगेटिव देखने जाइएगा तो आपको दिखेगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो यस नो वाला है, हां या ना वाला। तो इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाइएगा तो आपको मिलेगा वाज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है।
अब इसका जब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो इसका एग्जाम्पल सिंपल लेके फिर से चलेंगे. वेयर यू कॉलिंग मी, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, तो इसका बनेगा वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय यू. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप देख सकते हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है. जो नहीं समझ रहे हैं उनके मन में एक सवाल उठेगा कि सर वेयर था, आपको नहीं मालूम था कि क्या लगेगा, आप वाज क्यों लगाए, आप वेयर क्यों नहीं लिखे, वेयर लिख कर काटते फिर गलती करते फिर हमको समझाते तो ज्यादा अच्छा लगता. तो वैसे भी कर सकते थे. हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को जब हम अपने पास लेकर आएंगे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर, तो मी मेरा बदलकर आई होगा. ठीक है, जब आई होगा तो आई के साथ वाज लगता है, वेयर नहीं, इसलिए वाज आई बीइंग लिखते हैं ना कि वेयर आई बीइंग. सर आई के साथ वेयर का प्रयोग नहीं हो सकता है, होता है. जिस समय हम आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आई के साथ वेयर का भी प्रयोग होता है. होप सो कि सिंटैक्स हम लोग फिजिकल क्लास में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एक दूसरे से सामने आमने सामने बैठकर पढ़ें. इस तरह वर्चुअली पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता जितना आप सामने बैठे रहते हैं तो मजा आता है. फिर भी हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी, आपका भी इंटरेस्ट है कि सर ऑनलाइन पढ़ाइए ऑनलाइन पढ़ाइए, पूरी दुनिया ऑनलाइन का जाप जप रही है, आप भी चलिए ऑनलाइन पढ़ते हैं. एक तो आपका पास्ट इम्परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस हो गया नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव हो गया. एक और इंट्रोगेटिव आप जानते हैं बन रहा है, इतना दिन से वीडियो देख रहे हैं लगातार. एक और इंट्रोगेटिव बनता है जिसमें कैप होता है. जो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैप आखिर क्या है, तो कैप के अंतर्गत व्हाई वेयर व्हाट व्हाई व्हेन हू इत्यादि हाउ हूम ये सब आते हैं कैप. तो जब आप कैप का देखते हैं एक्टिव वॉइस, तो पास्ट इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर बोलता है कैप प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह. यानी कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बदलेंगे ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, लेकिन उससे पहले ये सारे तो जैसे के तैसे रहेंगे. कैप प्लस वॉज या वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह. एग्जाम्पल लेके चलेंगे. व्हाई वेयर यू गोइंग टू द मार्केट. व्हाई वेयर यू गोइंग टू द मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे थे, इसका वॉइस चेंज होगा नहीं होगा. वॉइस चेंज इसका वॉइस चेंज नहीं होगा. जो लोग वीडियो को ऐसे देख रहे थे थोड़ा सा जगिए, इसका वॉइस चेंज नहीं होगा. इसमें ऐसा नहीं करेंगे द मार्केट पहले ले आएंगे यू बाद में लेके चल, नहीं. ये जो मेरा वर्ब है गोइंग, यह कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, आंसर इनट्रांजिटिव वर्ब है. क्या जाना, किसको जाना, क्या और किसको, ये दो शब्द हैं, इससे लगाकर इससे प्रश्न पूछिए. क्या जाना, उत्तर मिला नहीं. किसको जाना, उत्तर मिला नहीं. तो यह कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है,
और अकर्मक क्रिया का वॉइस चेंज नहीं होता है। इसको देखिए, क्या बुलाना, क्या बुलाना, सर नहीं जानते हैं। किसको बुलाना, सर आपको बुलाना, मुझे बुलाना, उसको बुलाना, उत्तर मिलाना, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का वॉइस चेंज होता है, अकर्मक क्रिया का वॉइस चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा पूछेगा तो हम लिखेंगे कि हमारी जानकारी के अनुसार इसका वॉइस चेंज नहीं होता। वैसे पूछेगा ही इसका एक्टिव वॉइस का। हम लोग एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। व्हाई वेयर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे थे। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाई वाज ही बीइंग बीटन बाय यू। व्हाई वाज ही बीइंग बीटन बाय यू, ये आपका पैसिव वॉइस बन सकता है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, उतार सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। आप हमारे साथ फाउंडेशन सीख रहे हैं, इसलिए ना तो हम आपको कोई ट्रिक दे रहे हैं कि कैसे वॉइस पढ़ाएंगे, कैसे वॉइस हम समझेंगे, बल्कि हम आपको एक फाउंडेशन दे रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम पकड़ेंगे कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, इस ऑप्शन को छोड़ देना है या इसका वॉइस चेंज नहीं होगा। इन सबको जानेंगे, जिस तरह से पिछले साल हम लोग, आप जान रहे थे, आप गवाह थे, आप में से कुछ बच्चे हमारे साथ 11th क्लास से जुड़े हुए हैं, आपने देखा था कि पिछले साल क्लास 12th में हम लोग 120-130 प्रैक्टिस सेट तक गए थे। इस बार भी जा सकते थे, लेकिन क्या कहिएगा, प्रकृति के आगे मनुष्य लाचार है। हम लोग आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो इसका एक्टिव वॉइस हम लोग को देखने मिलता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी अगर इसका एग्जाम्पल ये लेंगे कि आई हैड नॉट ब्रॉट स्वीट्स, आई हैड नॉट ब्रॉट स्वीट्स, मैं मिठाइयां लेकर नहीं आया, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा स्वीट्स हैड Not been brought by me. कोई दिक्कत? Sweets had not been brought by me. इसका इंट्रोगेटिव अगर देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो बनेगा had plus subject plus not प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हमारा बनेगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। आप गौर से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका जब हम प्रश्नवाचक का एग्जाम्पल लेंगे तो हैड यू ब्रॉट स्वीट्स, हैड यू ब्रॉट स्वीट्स, तो हैड स्वीट्स
been brought by you. Had she's been brought by you. इतना सा हम लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं. जब हमारा बात होता है एक्टिव वॉइस में इसके साथ कैप का, तो कैप प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह. तो पैसिव वॉइस देंगे कैप प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भीतरी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, व्हाई हैड यू बिटन हिम. व्हाई हैड यू बिटन हिम, तो व्हाई हैड ही बीन बिटन बाय यू. ये है आपका पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम आपको पढ़ा दिए. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है, याद रखिए. इसका प्रैक्टिस सेट भी हम आपको, जब हम आपको फ्यूचर पढ़ा चुके होंगे, और जिस दिन हम आपको फ्यूचर पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे कि अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत हु यानी WHO हु से हो तो हम उसका वॉइस चेंज कैसे करते हैं, और whom 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 से हो तो हम उसका वॉइस चेंज कैसे करते हैं. ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफी है. पास्ट टेंस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी बुक है. प्रेजेंट टेंस पर प्रैक्टिस कीजिए. यदि किसी वॉइस चेंज में कोई दिक्कत आती है तो मुझसे बेहिचक पूछिए, आप जानते ही हैं हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं. तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, लेकिन मेहनत करते रहिए. इस बीच 11th क्लास भी फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी. ये सब भी 11th क्लास में है, आप वहां भी देख सकते हैं. अपने बच्चों को अपने भाइयों को हमें रेकमेंड कर सकते हैं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, आपके लिए हमेशा रहते हैं खड़े. जब भी दिक्कत हो फोन करके पूछिए. तब तक के लिए धन्यवाद.